जी असलाकुम आज का हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी और आज के लेक्चर में हम किडनी की स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करेंगे स्ट्रक्चरली ये किस तरह की होती है इसको ड्रॉ कैसे करते हैं इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं और उनको लेबल कैसे किया जाता है ये सब बातें हम आज के लेक्चर में करेंगे देखिए इस प्रीवियस लेक्चर में हमने ओवरऑल ह्यूमन यूरेनरी सिस्टम के बारे में बात की और मैंने आपको ये समझाया कि ह्यूमन यूरेनरी सिस्टम के चार पार्ट्स हैं किडनी यूरेटर यूरिनरी ब्लेडर एंड यूरेथ्रा और हमने उसमें यह भी समझा था कि इन चारों पार्ट्स में से जो सबसे मेन पार्ट है वो है जनाब किडनी किडनीज बेसिकली यूरिन बनाती हैं तो दिस लेक्चर इज एक्चुअली द कंटिन्यूशन ऑफ द लास्ट लेक्चर और आज के लेक्चर में हमने यूरिनरी सिस्टम का जो सबसे इंटेग्रल पार्ट है किडनी उसकी स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है विजुअली किडनी कुछ इस तरह की नज़र आती है दिस इज एक्चुअली ए कलर्ड डायग्राम ऑफ द किडनी आपकी जो एक्चुअल ह्यूमन किडनी है ये कुछ इस तरह की नजर आती है आज के हमारा लेक्चर जो है इसमें हम इनिशियली तो किडनी के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे इसका साइज शेप कलर पोजिशन लोकेशन और प्रोटेक्शन कैसे होती है और उसके बाद लेटर हॉन हम किडनी के स्ट्रक्चर को ड्रॉ भी करेंगे और उसको लेबल भी करने की कोशिश करेंगे चलिए करते हैं स्टार्ट फ्रॉम सम जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द किडनी और इस बारे में सबसे पहली बात जो है मेरा बच्चा वो है जी किडनी के कलर के बारे में तो किडनी का जो कलर है वो है जी हमारे पास डार्क रेड किडनी जो हम में मौजूद होती है उसका कलर जनरली यूजुअली डार्क रेड होता है और इसका जो शेप है किडनी की वो होती है मेरा बच्चा लाइक अ बीन जैसे बीन होते हैं ना तो आर किडनी इज जस्ट लाइक बीन सो वी से दैट किडनी इज बीन शेप्ड अगर थोड़ा सा आगे चलें और मैं आपके साथ किडनी के साइज की बात करूं तो किडनी का जो साइज है बेटा अब साइज़ में आपको तीन डायमेंशन याद रखनी होंगी लेंथ और हाइट और ये हैं जनाब हमारे पास 12 बाय 5 बाय 4 सेंटीमीटर तो ये हमारे पास किडनी का ओवरऑल साइज बनता है सो वी गोट द शेप वी गॉट द साइज एंड वी गॉट द कलर आगे अगर थोड़ा सा चलें और मैं अगर आपको किडनी की लोकेशन समझाना चाहूं कि ये हमारी बॉडी में होती कहाँ है तो लोकेशन के हवाले से आपको दो बातें याद रखनी है आपने याद रखना है जी कि ये जो किडनी है इट इज प्रेजेंट इन एबिनल रीजन हिस्सा है इसको abdominal region कहते हैं। so ये जो किडनी है, इट इज प्रेजेंट इन एबडोम रीजन बिलो डायाफ्राम डायाफ्राम हमने चैप्टर टेन में पढ़ा कि दिस इज बेसिकली आ मस्कुलर स्ट्रक्चर तो उसके नीचे रीजन में आपकी किडनी होती हैं बैक साइड अगर मैं आपको विजुअली uh, समझाना चाहूँ तो देखिए जहां पर आपकी जो रिब्स हैं बैक एंड पे बैक साइड पे एंड हो रही होती है वहां पर आपकी किडनीज मौजूद होती हैं जहां पर आ, आपकी आखिरी दो रिब्स होती हैं ना बैक साइड पे वहां पर बेसिकली किडनीज मौजूद होती हैं अच्छा हमने लोकेशन की भी बात कर ली uh, इसके अलावा देखिए बॉडी में जो भी कोई इंटेग्रल ऑर्गन है ना उसकी प्रोटेक्शन का भी कोई ना कोई मौजूद है तो इफ वी टॉक अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ किडनी तो प्रोटेक्शन की किडनी जो किडनी uh, की जो प्रोटेक्शन है जनाब इट अकर्स बाय द लास्ट टू रिब्स आखिरी जो दो हर, हमारे पास पसलियां हैं आखिरी जो दो रिब्स है ना मेरा बेटा वो किडनी की प्रोटेक्शन करती है बेसिकली अच्छा इसके अलावा आई होप ये तो आपको पता ही है कि नंबर ऑफ किडनी इज द ह्यूमन बॉडी इज टू हमारी बॉडी में दो किडनीज होती हैं अच्छा अब इन दो किडनीज में से ना एक किडनी होती है लेफ्ट किडनी और एक किडनी होती है राइट किडनी व्हाट आई मीन बाय लेफ्ट एंड राइट राइट किडनी इज कि एक किडनी लेफ्ट साइड पे होती है और एक किडनी राइट साइड पे होती है यहां पर भी एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है कि जो लेफ्ट किडनी होती है वो थोड़ी वो थोड़ी सी नीचे होती है और जो राइट right किडनी होती है वो थोड़ी सी ऊपर होती है ऐसा क्यों होता है बिकॉज ऑफ द हार्ट हार्ट लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है लिहाजा लेफ्ट किडनी जो है इट इज हायर लेफ्ट किडनी इज़ हायर देन राइट किडनी राइट किडनी थोड़ी सी नीचे और जो लेफ्ट किडनी है वो मेरा बेटा थोड़ी सी ऊपर होती है दिस वॉज ऑल अबाउट द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द किडनी अब जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद मेरा बच्चा आइए हम बढ़ते हैं और किडनी की स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं नाउ आई एम ना ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी और साथ ही साथ ही हम लेबल करेंगे लेबलिंग के के साथ साथ हम किडनी डिफरेंट पार्ट्स को अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करेंगे तो किडनी की जो स्ट्रक्चर है आप उसको चाहे तो लेफ्ट लेफ्ट किडनी लेफ्ट वाली किडनी बना ले चाहे तो राइट right वाली किडनी बना ले इट्स ऑल अप टू यू पीपल आइए जी आ, हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो आपने किडनी की ओवरऑल स्ट्रक्चर बनानी है दैट विल बी एक्चुअली बीन शेप तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप अपने हिसाब से एक बीन की तरह के स्ट्रक्चर बना लें जस्ट लाइक दिस वन जैसे मैंने बनाई तो ये जो स्ट्रक्चर आपने मेरा बेटा बनाई है ना ये एक्चुअली एक बीन शेप स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली एक बीन है अब आ, इसको हम थोड़ा बहुत बेहतर भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो लेट्स डू दिस लाइक दैट

आपने दो लेंस पढ़े होंगे कहीं ना कहीं कंकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस ऐसा लेंस होता है जो दरम्यान में से डिप्रेस्ड होता है तो ये जो डिप्रेस्ड साइड है ना किडनी की इसको कंकेव साइड कहते हैं ठीक हो गया जी यहां पर ही हम, आ, हम हमने किडनी की पहली पार्ट को किडनी की पहली स्ट्रक्चर को भी आइडेंटिफाई करना है कंकेव साइड पे ये वाला एरिया जो दबा होता है ना जो डिप्रेस्ड होता है मेरा बच्चा इस एरिया को ये वाला जो एरिया है यहां से लेके यहां तक का ये यहां से लेके यहां तक का इसको हम हाइलस बोलते हैं डिप्रेस्ड एरिया ऑन द कनकेव साइड ऑफ द किडनी इसको बेटा हम हाइलस बोलते हैं ये हाइलस ही बेसिकली वो जगह है जहां से ब्लड वेसल्स और बाकी चीजें किडनी के अंदर जा रही होती हैं और वहां से बाहर आ रही होती हैं अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और किडनी के अंदर घुस के ये देखने की कोशिश करते हैं कि किडनी में कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं तो भाई अगर हम किडनी पूरी किडनी के स्ट्रक्चर को पार्ट्स में डिवाइड करना चाहें तो वी गेट तो नो टू नो दैट किडनी हैज टू पहला पार्ट जो किडनी का है उसको हम कहते हैं रेनल कॉर्टेक्स और जो दूसरा पार्ट है बेटा उसको हम कहते हैं रेनल मेडुला यहां पर ये दोनों लफ्ज आपको समझने की जरूरत है रेनल वाला भी और कॉटेस वाला भी मेरा बच्चा जहां पर भी रेनल का वर्ड आएगा आपने समझ जाना है यहां पर किडनी की बात हो रही है रेनल मीन किडनी जहां पर भी रेनल का वर्ड आएगा यू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड यहां पर किडनी की बात हो रही है अच्छा कॉर्टेक्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है अक्सर किताब में आएगा कहीं ना कहीं देखिए कॉर्टेक्स भी जहां जहां पे भी आए आपने समझ जाना है कि ये आउटर पोर्शन की बात हो रही है कॉर्टेक्स मींस आउटर पोर्शन और मेडु रेनल का लफ्ज तो यहां पर भी आपको समझ आ गया मेडुला का मतलब है मिडिल पोर्शन तो अगर कोई भी स्ट्रक्चर है और उसके कॉर्टेक्स की बात हो रही है तो इसका मतलब है उसके आउटर पोर्शन की बात हो रही है और जहां पर मेडुला का लफ्ज आ जाए इसका मतलब है उसके इनर पोर्शन उसके मिडिल पोर्शन की बात हो रही है तो आइए मैं स्ट्रक्चर को रेनल कॉर्टेक्स और रैनल मेडुला में डिफ्रेंशिएट करता हूँ सेपरेट करता हूं आपने सिंपली करना क्या है इस किडनी के अंदर बिल्कुल इसी तरह की एक लाइन जो है ऐसे करके ड्रॉ कर देनी है अब इस लाइन से ये जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है जो ये बाहर वाला हिस्सा है इसको हम बोलेंगे रेनल कॉर्टेक्स मेरा बेटा और ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसको हम बोलेंगे जनाब रेनल मेडुला तो हमारे किडनी के जो दो मेन पार्ट्स हैं उनको हमने कर लिया आइडेंटिफाई और लेबल कर लिया So, ये हमारे पास रेनल कॉर्टेक्स जो आउटर पोर्शन है और जो इनर पोर्शन है दिस इज रेनल मेडुला अब जो बाकी की लेबलिंग है वो हमने रेनल मेडुला के अंदर जाके करनी है रेनल मेडुला में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है जिसको हम बोलते हैं बेटा रेनल पिरामिड अब ये पिरामिड्स क्या है एक्चुअली होता ये है कि इस रेनल मेडुला के अंदर कुछ इस किस्म की ट्राइ एंगल मौजूद होती हैं ऐसे करके थ्रू आउट द लेंथ ऑफ़ रेनल मेडुला इन लाइक स्ट्रक्चर को मेरा बच्चा हम लोग कहते हैं कि ये रेनल पिरामिड्स तो इनको आपने ऐसे ड्रॉ कर देना है मेडुला बनाने के बाद इन साइड द मेडुला आपने कुछ इस किस्म की ट्रायंगल्स एंगल ड्रॉ कर देनी है तो ये हमारे पास रेनल मेडुला भी हो गया तीन पोर्शन होते हैं अच्छा रेनल मेडुला के बाद अगर थोड़ा सा आगे चलें, तो आप ये देखिए ये एक मिडिल वाला एरिया है जो खाली खाली है इस मिडिल वाले एरिया को मेरा बच्चा हम बोलते हैं जी पेल्विस ये पेल्विस भी अगर आप गौर करें तो एक्चुअली रेनल मेडुला के अंदर ही मौजूद है सो तो हम इसको भी रेनल मेडुला के अंदर ही कंसिडर करते हैं और रेनल मेडुला का एक पार्ट ही इसको कंसिडर करके पढ़ते हैं तो ये आपका पेल्विस हो गया तो so, अगर आप यहां तक ध्यान दें तो हमने किया क्या कि हमने किडनी को दो हिस्सों में डिवाइड किया रेनल कॉर्टेक्स और रेनल मेडुला में और रेनल मेडुला में मजीद दो हिस्सों को आइडेंटिफाई किया एक रेनल पिरामिड और एक रेनल पेल्विस ठीक हो गया जी अब ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो किडनी के अंदर मौजूद हैं। बट अभी आ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता कि किडनी बॉडी से बिल्कुल अलग थलग सेपरेटेड है डेफिनेटली किडनी से कुछ चीजें बॉडी में जा रही होंगी so well. तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा बेटा एंड दैट स्ट्रक्चर इज यूरेटर देखिए यूरन को लाने के लिए भी तो कोई चीज चाहिए होगी ना तो दैट स्ट्रक्चर इज यूरेटर ये जो मैंने ब्लैक मार्कर से बना दिया पूरी किडनी का सारे का सारा यूरिन यहां पे इकट्ठा होता है पेल्विस में और पेल्विस से यूरिन को लेके जाने वाली जो ट्यूब है उसको हम यूरेटर कहते हैं सो दिस इज़ यूरेटर यूरेटर के बाद दो और ऐसी चीजें हैं जिनको आपको ड्रॉ करने की जरूरत है जिनको आपको लेबल भी करने की जरूरत है और वो दो चीजें हैं ब्लड वेसल्स देखिए बेटा ये जो यूरिन फॉर्मेशन हुई है ना ये ब्लड की फिल्ट्रेशन से हुई है अगले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे तो एक ब्लड वेसल ऐसी होती है जो ब्लड को लेके आ रही होती है और एक ब्लड वेसल ऐसी होती है जो ब्लड को लेके जा रही होती है ब्लड आता है फिल्टर होता है फिल्टर होके निकल जाता है तो एक ब्लड वेसल ऐसी जनाब आई एम गोन ड्रॉ इट फ्रॉम विद रेड और एक ब्लड वेसल हम बनाएंगे ब्लू से जो ब्लू वाली है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं रेनल वेन और इसको हम कंसिडर कर लेते हैं रेनल आर्टरी सो एक ब्लड वेसल वो है बेटा जो ब्लड लेके आ रही है और एक ब्लड वेसल वो है जो ब्लड लेके जा रही है लेके आने वाली को रेनल आर्टरी कहेंगे लेके जाने वाली को रेनल वेन कहेंगे

अपना जाल सा बना लेती है एक्चुअली होता यह है कि ये यह यहाँ पे आके मजीद छोटी ब्लड वेसल्स में कन्वर्ट हो जाती है और वो छोटी ब्लड वेसल्स इन रेनल पिरामिड के अराउंड जो है इस तरह से फैल जाती है सो जस्ट लाइक दिस तो आपने करना ये है कि जब ब्लड ब्लड वेसल्स आप एंटर करवा दें तो उसके बाद आपने उन ब्लड वेसल्स के थ्रू इन रेनल पिरामिड्स को कवर कर देना जस्ट लाइक दैट और इन सब का जो एंड है उसको आपने पेल्विस में ले आना तो होता एक्चुअली ये है यूरिन ब्लड आया यहाँ पे रेनल पिरामिड्स वाले एरिया में फिल्टर हुआ यूरिन uh, प्रोड्यूस हुआ वो यहाँ पर पेल्विस में आ गया और पेल्विस से आगे यूरेटर के थ्रू बाहर निकल गया एक काम आपने ये भी करना है कि आपका ये जो रेनल uh, कॉर्टेक्स वाला एरिया है इसको आपने ऐसे करके स्टेन कर लेना है इसको थोड़ा सा डार्क कर लेना है ताकि आपकी किडनी की जो ओवरऑल अपीयरेंस हो वो थोड़ी सी अच्छी लगे वैसे तो डायग्राम जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है उसमें एज सच ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपकी डायग्राम बहुत अच्छी बनी होनी चाहिए डायग्राम की बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि डायग्राम सही बनी होनी चाहिए और प्रॉपरली लेबल होनी चाहिए बट अगर आपके डायग्राम थोड़ी सी बेहतर बनी हुई है बट आई मीन बाय बेहतर के दिखने में अच्छी लग रही है इट विल गुड मार्क्स अभी तक हमने किडनी के डायग्राम कोडनी वाले बट एग्जामिनर अक्सर इनके क्वेश्चन सेपरेट देता होता है so, हमने आज क्या किया है कि हमने यहां से लेकर यहां तक किडनी की डायग्राम को समझने की अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कल के लेक्चर में इनशालाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नैफ्रॉन आपका कोई सवाल हो तो आप पोर्टल भी तो मुझे पूछ सकते हैं सी यू इन द नेक्स्ट क्लास अल्लाह हाफिज